पाकिस्तान कराची यहाँ मत आओ तुम लोग, तुम लोग चले जाओ यहाँ से। पूरा टीम मर गया कि हमने बस इंडिया 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 को मारना है। उनमें वो इंडिया को तो छोड़ो, वो दूसरों को भी से उनसे भी वो हार जाते हैं। भाई मुझे तो सबसे पहले आप पे गुस्सा आ रहा है। भाई ये कौन सी मैकेनिक कैसे इंटरव्यू ले रहे हो भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऐसे सर आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ है सर। मैंने आपको इसलिए रोका कि मैं पूछ रहा था इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप टूर्नामेंट चल रहा है, तो फिर आप बताओ देख रहे हो? ऐसे ही है, वर्ल्ड कप देखते देख रहे हैं, देख रहे हैं। भाई बिजली हो तो देखे ना, बिजली है नहीं तो हम क्या देखे यार, कुछ बिजली आ जाए तो बंदा देख। अभी देख नहीं रहा हूँ लेकिन सुन रहा हूँ, लेकिन गुस्सा बहुत आ रहा है। आपका सवाल बड़ा अच्छा है कि देख रहे हो, लेकिन हम देख रहे थे। बिल्कुल अभी भी मैच देख रहा हूँ। देख रहे हैं, हमारी भी पाकिस्तानी टीम गई हुई है वहाँ परफॉर्म कर रही है। पाकिस्तानी टीम परफॉर्म कर रही है? आपको किसने कह दिया पाकिस्तानी टीम परफॉर्म कर रही है? पूरा टीम मर गया। इनसे ये कुछ भी नहीं हो रहा है, ये लोटे के लोटे हैं। और मेरे हिसाब से ये फाइनल तो दूर की बात है, ये टूर्नामेंट से बाहर है। जब तक दिया जल रहा था तब तक मैच चल रहा था, जैसे ही दिया बुझ गया पता नहीं बॉल किधर उधर इधर उधर घुस गया है। बिल्कुल सही बात है इसका भाई, इनके लिए दुआएं करो ये लोग वापस आ जाए। ये तो दुआ करो अहमदाबाद वहाँ गए हुए, ये यहाँ मुस्लिम जो है ना मेजोरिटी है। ये तो अच्छा हुआ यूपी बिहार नहीं गए, तो इनको तो इस्तकबाल यहाँ पे भी। ये तो पहले मैच में जो है ना इनका काम हो जाता, तो ये परफॉर्म करने वाली टीम नहीं रही भाई। अरे क्या बोल रहे हैं, बोलने को कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि थे हम फैन क्रिकेट के, मगर अब जो है हम सिर्फ हॉकी को मानते हैं। मैच देखते देखते मेरा मूड ये बने कब्रिस्तान चला जाऊं। अभी पाकिस्तान ने क्रिकेट टीम ने दिया है क्या? मैं सिर्फ मायूसी दिया है और कुछ नहीं दिया। टीम तो बिल्कुल दिल तोड़ रही है, दिल तोड़ दिया है। अभी क्या कर सकते हैं हम? टीम को सस्पेंड कर देना चाहिए, खत्म कर देनी चाहिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को। अब वो जज्बात नहीं रहे हमारे, बिल्कुल जज्बात ही खत्म हो गए, बिल्कुल ही खत्म हो गए। आप लोग जाए पहले अफगानिस्तान से ट्रेनिंग ले ले वहाँ से, फिर आके खेले मैदान में। सोर्स सफारिश रिलेशनशिप कौन है ये प्लेयर्स? कौन कौन है? नाम भी नहीं पता इनका भी है। ये बाबर आजम वगैरह इनको हटा दो भाई। ये जब से क्रिकेटर्स की शादी हुई है तो ये किसकी गेने इधर उधर जा रही है, कुछ के बल्लों में जान नहीं है। तो ये शादी के बाद से हुआ क्या है हमारे क्रिकेटर्स को? थोड़ा कमजोरी हो गई होगी। सारे बॉयज की जो सोच होती है वो सिर्फ एक ही जगह इन्वॉल्व करती है। अजीब सी थकावट का शिकार है। कोच से कोई मशवरा नहीं है, कप्तान से कोई मशवरा नहीं है। इंडिया वालों ने किया शादी और वो तो फिट होने लग गए भाई, वो खेल रहे हैं। क्या है यार बॉलर्स बॉलर्स, इनको तो कहो आओ हमसे मैच खेले, हम इनको जो है ना रोड में हरा दे। ये कोई टीम है यार? टेनिस में हरा देंगे, हरा देंगे, बिलीव मी यार इनको हरा देंगे, कोई टीम है। एक आइडिया दूं अगर मुझे देख रहे हैं तो, मैं तो ये कहूँगा उनको भी चाहिए कि पपीते के जूस जो पत्तों का जूस बना कर पिए। एक बेहतरीन किस्म का साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए जो हमारे बॉयज को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सके और उनके जहनों में से ये निकाल दे। नंबर वन टीम थी, बॉलिंग ले लो बैटिंग ले लो, वो जो क्रिकेट होती थी जो इमरान खान के टाइम में, मियादाद सलीम मलक पकार यूनस वसीम अकरम मुईन खान, ये टीम होती थी भाई। टॉप टू बॉटम ये टीम होती थी, लोग खेलते थे। मियादाद ने जो जब छक्का मारा था, मैं उन दिनों शारजा में ही था, क्रिकेट मैच देख रहा था भाई। ये लोग पूरा कॉलर खोलते थे, सही है, बॉल इनके हाथ में होती थी, मतलब ये डराते थे उनको, इनसे डरते थे। जब शोएब अख्तर रन अप लेता था तो मतलब सामने वाला जो बैट्समैन होता था उसको तो समझ नहीं आता था, मैं इसको कैसे फेस करूं। कभी हेलमेट के अंदर बॉल घुस रहा है, कभी पसलियां तोड़ रहा है, कभी बल्ले तोड़ रहा है, कभी गिल्लियां तोड़ रहा है। लड़ी थे लेजेंड। अब अचानक क्या हो गया यार, वो दबदबा वो डर वो सब कहां गया? पूरा टीम मर गया, बिल्कुल खत्म है भाई ना, बल्ले मल्ले इसके सारे बेकार हो गए, कोई टैलेंट नहीं है। टूर लगवा कर फिर वापसी भेज देंगे भाई, तूने घूम लिया मुल्क अभी घर चले जाओ। ये 5-6 मैचों वाले हैं, बस 5-6 मैच खेल कर 5-6 मैच के बाद कैरियर कैरियर साइड। टीवी एड में आए, हमारी तरह ड्रामों में आए, ये मतलब ये इनके लिए नहीं है। अब क्या टीम के अंदर एक्टर्स आ गए, रातों रात करोड़पति होने के चक्रों में। कुछ लोग अभी इस टीम को नाम ले रहे हैं फ्रेंडशिप 11, तो फ्रेंडशिप 11 जो है अब 11 कोई ऐड करें पेम्पर का, उसमें भी इनको डाल दें यार। पे
शर्म करनी चाहिए यार इनको। विराट कोहली से मिलाते हैं बाबर, विराट के जैसे बिल्कुल भी नहीं हो सकता यार। एग्रेशन में खेलता विराट, एग्रेसिव क्रिकेट खेलता है। इसको कुछ पता ही नहीं है, आप उसको जो चेयरमैन बना देते हैं। मेरे ख्याल में एयरपोर्ट में उस लोगों के लिए इंतजार करना है। यही कह रहे हैं कि एयरपोर्ट पे इंतजार करना चाहिए, और कैसे इंतजार करना चाहिए, पुराने चप्पल वगैरह होंगे, लोग यही मारेंगे इनको। बस टमाटर और अंडो क्या कर ले, किस्मत देश का साथ। वो भी महंगे, वो भी महंगे है। अगर अफगानिस्तान से हारे हो सही है, तुम यहाँ पर मत आओ इस कंट्री में, तुम वहीं से जो है ना बाहर चले जाओ। टीम हम खत्म कर रहे हैं, हो गया भाई तुम्हारा, बस हो गया। टीम वालों अफगानिस्तान जाओ, वापसी के अंदर हकीम के पास जाओ। आप इनको वर्ल्ड कप दे दें, मतलब जोली में दे दे, हाथ में दे दे, जैसे दे दे। फूल भी नहीं दे सकते और अंडा भी मार नहीं सकते, बस चुपचाप के आके। पूरी टीम हमारी है, एक दफा फिर बोल देंगे जीतो या हारो, सुन लो हमें। जीतो या हारो हम तुम के साथ है। भाई मुझे तो सबसे पहले आप पे गुस्सा आ रहा है भाई, ये कौन सी पता नहीं कैसे इंटरव्यू ले रहे हो भाई। अबे भाई अब कोई नहीं देखेगा क्रिकेट, कोई भी नहीं देखेगा। कोई मौजूदा होगा तो पहुंचेगा, वरना तो अभी तक दिल नहीं मानता। ये नहीं तो अगला वर्ल्ड कप हमारा है भाई, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शर्म कर लो, अब तो कुछ हया कर लो, बगैर तो